अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको निम्को घर में बनाने का तरीका सिखा रही हूँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। एक प्याली बेसन लें, इसमें आधा चम्मच नमक शामिल करें, आधा चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च, इसको मिक्स करें और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको भून लें। हमने इसको पतला नहीं करना है बल्कि सख्त रखना है। बेसन को इस तरह से सख्त गूंद लें और इसे एक प्लेट में निकालकर ढककर आधे घंटे के लिए पड़ा रहने दें। ये मैंने एक प्याली मूंग की दाल लेकर इसको एक घंटा पहले भिगोकर रख दिया था। इसका पानी हम अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। इसको कुछ देर के लिए इसी तरह पड़ा रहने दें ताकि सारा पानी अच्छी तरह से इसमें से निचड़ जाए। जब दाल खुश्क हो जाए तो इसको थोड़ी देर के लिए एक ट्रे में फैला दें ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है। एक प्याली साबुत मसूर की दाल को भी 2-3 घंटे पहले भिगो कर रख दें और इसी तरह से जैसे हमने मूंग की दाल का पानी निचोड़ा है इसका पानी भी निचोड़ लें। देर में दाल का पानी खुश्क होता है, हमने ये जो बेसन बनाकर रखा था इसको बेल लेंगे। इस तरह से इसकी बारीक पट्टियां काट लें। कुछ इस तरह से बेल कर रख लें। एक कढ़ाई में ऑयल गरम करके हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये पट्टियां भी हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर पड़ा रहने दें ताकि ये ठंडे हो जाएं। अब हम दाल फ्राई कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने दें। फ्राई करने के बाद इसका ऑयल अच्छी तरह से निचोड़ लें। इसी तरह से हम मूंग की दाल को भी फ्राई कर लेंगे। दो 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद चूल्हा बंद कर दें और इसका ऑयल अच्छी तरह से निचोड़ कर इसको प्लेट में निकाल लें।
अब हम इन सब चीज़ों को एक जार में डालेंगे। हम इसमें थोड़ा सा नमक, पिसी हुई सुर्ख मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। अगर आप चाहें इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप टाटरी भी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मज़ेदार नींबू तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें।